एक राजा ने एक को दंड दे दिया फांसी का, और आखिरी समय जब राजा से मिलवाने के लिए उसे लाया गया कि राजा के सामने आकर के अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, तो वो तो वैसे ही पहले से भरा हुआ था पूरा, और उसने राजा को गालियां देना शुरू कर दी। लेकिन जो बड़े वाले मंत्री जी थे उनको उस पर बड़ी दया आती थी कि बेचारा निर्दोष है, फिर भी अब क्या करें, अपराधी घोषित हो गया है और राजा ने भी उसे दंड दे दिया, इसको कैसे बचाया जाए। उनके मन में बड़ा ये भाव था। तो जैसे ही उसने आते ही साथ और ये पूछा गया कि आखिरी तुम्हें क्या बात कहनी है, तो राजा को गाली देनी शुरू कर दी। अब वो जिस भाषा में दे रहा था राजा ते कुछ समझ में नहीं आई, तो राजा ने ट्रांसलेट करवाया उनसे बड़े वाले मंत्री से कि क्या बोल रहा है। अब मौका मिल गया उनको, उन्होंने कहा राजा साहब आखिरी समय में आपसे क्षमा मांग रहा है, आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है, अब फांसी तो उसे आपने दे दी है, अगर आप उसे क्षमा कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और उतने में क्या हुआ कि वो जो दूसरे मंत्री बैठे थे जो कि कभी बड़े नहीं बन पाए, हाँ ऐसा होता है, तो ईर्ष्या होने लगती, तो उन्होंने कहा कि अपन को भी मौका मिल गया इनको नीचे गिराने का, ये बड़े बड़े बने फिरते हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ गाली दे रहा है और कह रहे हैं कि ये तो प्रशंसा कर रहे हैं और आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। तो फौरन खड़े होकर के छोटे वाले मंत्री ने कहा कि बड़े मंत्री जी जो है बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये तो सरासर आपको राजा साहब गालियां दे रहा है, अब दोनों को ही दंड मिलना चाहिए, इसको तो मिलना ही चाहिए जो गाली दे रहा है, लेकिन जिसने समर्थन किया मंत्री जी बड़े वाले उनको ही मिलना चाहिए। तो राजा साहब ने मालूम क्या कहा, छोटे मंत्री जी दंडित करने योग्य तो आप हैं, मुझे आपका बोला हुआ सच इस समय ठीक नहीं जान पड़ा रहा, बड़े वाले मंत्री जी का बोला हुआ झूठ भी मुझे ठीक जान पड़ रहा है, क्योंकि वे उस निर्दोष व्यक्ति की जान बचाना चाहते हैं, इसलिए मैं उन दोनों को माफ करता हूं और आप जो है जेल चले जाए। आए समझ में सच क्या चीज है, इससे हम अपने आप तय कर सकते हैं कि जहां दूसरे के प्राणों की रक्षा होती है वो सच है। वाणी से हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम बोलें दूसरे के लिए पीड़ादायक वचन ना बोलें, पीड़ा पहुंचाने के लिए इस भाव से ना बोलें, सत्य बोल करके और हमारा मन भी हल्का हो जाए और दूसरा भी अपने आप को हल्का महसूस करे, मुक्त हुआ महसूस करे। वास्तव में तो सच वही है। इसकी भी एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, बस फिर बात पूरी हो जाएगी। आज वैसे भी आपने देर किया है, मैंने नहीं किया, फिर भी ऐसे तो नहीं काम चलेगा कि अपन ने खुद देर करी और दूसरे पर थोपें कि आपने कर दी। मैं चाहता तो 5 मिनट बोल करके चुप हो सकता था, क्योंकि समय हो गया, पर ये 31 और 31 तारीख 2 दिन तो ऐसा कंसीडर करना पड़े। मेरे ख्याल से सच तो यही माना जाएगा, क्योंकि ये जिस उद्देश्य से लेकर के आए हैं उसमें थोड़ा बहुत तो। और वो जो मैंने बीच में टोका, मुझे बाद में लग रहा है कि मुझे नहीं टोकना चाहिए था, ठीक है मुझे मालूम है कि 24 ही बनवाए थे, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि जब वो बोल रहे हैं बात कर तो उनकी बात रह जाती, काय को अपनी बात के लिए मैंने और बोला। पर मुझे बार बार ये लगता है कि क्यों ये प्रचारित किया जा रहा है कि 72 बनवाए थे, और उसके चलते आज बहुत तेजी से 3 24 ही बनवाने का जो परंपरा चल पड़ी, मैं इसलिए दुखी होकर के मैंने वो बोल दिया कि सिर्फ भरतेश वैभव में भर मिलता है कि 72 जिनाड़े बनाए थे। मैंने बहुत लोगों को ये काम सौंपा है और अभी तक वो उनका लेटर मेरे पास आते हैं कि अभी तक भरतेश वैभव के अलावा और किसी आचार्य प्रणीत ग्रंथ में नहीं मिल रहा है कि 72 बनवाए थे, 24 बनवाए थे। अगर 72 बनवाए भी थे तो वे भूत भविष्य तो वर्तमान के बनवाए थे, ऐसा कहीं फिर भी नहीं मिलता। लेकिन आज ये पैटर्न चल पड़ा है कि भूत भविष्य और वर्तमान की 24 ही बनेंगी, इसलिए शायद मेरे मन में ये बात आ गई हो और मैंने बोल दिया, तो पंडित जी साहब जो है अन्यथा नहीं लेंगे, उनकी बात भी रह गई कि 72 भरतेश वैभव में लिखे हैं भैया कि हाँ 72 बनवाए थे। अब भरत चक्रवर्ती तो मोक्ष चले गए, अगर मिल जाते तो अपन उन्हीं से पूछ लेते कि भैया काय को आप सही सही बता दो कि कितने बनवाए थे, क्योंकि एक भी दर्शन तो एक के भी नहीं हुए। ऐसा कई बार हो जाता है, मेरा भाव बिल्कुल भी नहीं था कि उनकी बात को मैं अन्यथा करूं, इसलिए मुझे तुरंत उसके बाद लगा कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। सत्य वो है जो कि हमें मुक्त करे। मैंने जो बोला उसने मुझे बंधन में डाला,
इसलिए मुझे लगा कि सच नहीं, मैं अपने आप को बहुत थोड़ी देर पहले इसे बाइंड अप महसूस कर रहा हूं कि मैंने गलत किया, इसलिए मुझे क्लियर भी करना पड़ा। अपन खुद अपने आंच से कसौटी देख सकते हैं कि बोलने के बाद और फिर हम क्या महसूस करते हैं, एक बहुत सुखद बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, या कि हम बोल करके ऐसा लग रहा है जैसे छाती पर कोई एक पत्थर रख गया। जब हम झूठ बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही मन भारी हो जाता है, और जब हम सच बोलते हैं तो हम आनंदित होते हैं। क्या हुआ कि एक पक्षी पिंजरे में बंद कर दिया गया, उसकी फितरत नहीं थी कि वो पिंजरे में बंद रह के खुश रहे। अपन लोगों की बात अलग है कि अपन शरीर में के पिंजरे में बंद है फिर भी खुश है, लेकिन उस पक्षी की फितरत ये थी नहीं कि उसकी तो उसका नेचर ये था कि वो तो खुले आकाश में ही खुशी महसूस करता था। उसके लिए सोने चांदी के बर्तनों में जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें पिंजरे के अंदर खाने के लिए रखी थी, फिर भी वो खुश नहीं था। हां, उसको चाहिए थी स्वतंत्रता, उसे चाहिए थी मुक्ति। एक दिन रास्ते से गुजरते किसी साधु को यह कहते सुना कि जो सच बोलता है वह मुक्त हो जाता है। उसे लगा कि साधु बाबा जी तो सच ही बोलते हैं, और ये जो उन्होंने कहा है मुक्ति का उपाय ये बिल्कुल सही है। वो पक्षी इस तरह का था कि बोल के जानता था, जितना उससे सिखा दिया जाता था उतना वो बोलता था, उससे अतिरिक्त नहीं बोल पाता था। लेकिन अब एक दिन ऐसा मौका आया, जिनके यहां पर जिस राजा के यहां पर पिंजरे में सोने के वो टंगा हुआ था दरवाजे के पास ही, उस राजा से मिलने के लिए दूसरे राजा का एक दूत आया। अब राजा उससे मिलना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने अपने दूत से कहलवा दिया, रक्षक से कहलवा दिया कि कह दो राजा साहब है नहीं इन दिनों, वे कहीं गए हुए अन्यत्र, मिलना नहीं चाहते। ऐसा झूठ बोलने के लिए कह दिया। पक्षी से रहा नहीं गया, वो वहीं तो टंगा हुआ था उसका पिंजरा। उसने कहा कि राजा जो कहलवा रहे हैं वह झूठ है। वो दूत तो नाराज होकर चला गया, लेकिन ये जो राजा का रक्षक था उसने सीधे राजा के पास जाके कहा कि सारा मामला बिगाड़ दिया उस पक्षी ने। उसने उस दूत के सामने ही कह दिया कि राजा अंदर है और कहलवा रहा है कि वो नहीं है, ये सरासर झूठ बुलवा रहा है। राजा को आ गया गुस्सा, मेरे घर में इतनी सुख सुविधाओं के बीच रहकर मेरे विरुद्ध बोलता है, हटाओ उसको यहां से, उड़ा दो उसको यहां से। और वो तो इसी इंतजार में था, पिंजरे का दरवाजा खोलते ही साथ और ऊपर जाकर मुड़ेर पर बैठ गया और वहां से बोलता है कि साधु बाबा जी ने ठीक कहा था कि सच बोलने से मुक्त हो जाते हैं, मैंने तो एक ही बार सच बोला और मैं मुक्त हो गया उससे। ये अच्छा लगता अपने को ना सुनने में, लेकिन ऐसा करके देखें अपन एकाध बार कि सच बोल करके हो सकता है कि बाहर का बंधन आ जाए लेकिन भीतर के बंधन खुल जाए। अगर हम एक बार ऐसे सत्य को बोलने की आदत डालना शुरू करेंगे इसी भावना के साथ कि हम सबके जीवन में सच आए, हम सच्चे होने का प्रयास करें, उतना ना कर सकें तो 100 मौके दिन भर में झूठ बोल लें कि आए, हम 100 मौके पर ही झूठ बोल दें लेकिन शाम होने से पहले किसी एक व्यक्ति से कह सकें बहुत साहस के साथ कि वो जो सुबह आपसे मैंने कहा था वो झूठ है, मैं स्वीकार करता हूं सच तो ये है। एक मौके पर, जबकि मैं 100 मौके में 100 में झूठ बोल चुका हूं, एक तो हम कह सकते हैं कि इतना भी स्वीकार कर लें कि मैंने झूठ बोला था, तब भी देखना कि अपने मन को कितना आनंद कितना संतोष मिलता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। इसी भावना के साथ कि हम ऐसा प्रयत्न करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे।